पे मैं आज लेकर आया हूँ MMHAPU यानी कि मौलाना मजहरुल हक पारसी यूनिवर्सिटी, जिसमें बीएड का एग्ज़ाम चल रहा है अभी। बीएड 2020-22 है ना, 20-22 का जो एग्ज़ाम चल रहा है, आज मैं लेकर हाजिर हूँ पेपर असेसमेंट फॉर लर्निंग। जो असेसमेंट फॉर लर्निंग, जो कि आप देख पा रहे होंगे, टोटल 80 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। ये पेपर नंबर 108-109 है। इसके पहले जो था नॉलेज एंड करिकुलम, वो 108 था उसका पेपर का कोड, ये 109 है। तो इसमें भी आपको वही इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर आंसर देन देयर ऑन वर्ड्स, यानी कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें। आंसर 5 क्वेश्चन सेलेक्टिंग 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट, यानी कि हर एक यूनिट से आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर करना है। चलिए, तो इसमें हम लोग पहला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि यूनिट वन में हर एक यूनिट से दो दो क्वेश्चन थे, एक यूनिट से कोई एक क्वेश्चन बनाना था। इसमें पहला क्वेश्चन लिखा है, व्हाट डू यू मीन बाई असेसमेंट, डिस्कस इट्स पर्पस एंड इम्पोर्टेंस। ध्यान रखें साथियों, आप जो एग्ज़ाम में आंसर लिखेंगे ये बाइलिंगुअल होता है, आप चाहें तो इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं या हिंदी में लिख सकते हैं। नेक्स्ट यूनिट वन का क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, देख पा रहे होंगे ये हिंदी में है, और उसके पहले पहला क्वेश्चन हम इंग्लिश में बता चुके हैं आपको। तो यहाँ लिखा हुआ है, आकलन से क्या समझते हैं और इसके उद्देश्य और महत्व यानी कि इम्पोर्टेंस को लिखना है। क्वेश्चन नंबर टू में है, डिफाइन मेजरमेंट एंड इवेलुएशन, डिस्कस इम्पोर्टेंस इन एजुकेशन फील्ड, यानी कि मापन और मूल्यांकन क्या है, शिक्षा के क्षेत्र में इसका क्या महत्व है, इस पर चर्चा करिए। तो ये यूनिट वन का 2 क्वेश्चन था जिसमें किसी एक का जवाब लिखना था। अब आइए हम लोग यूनिट टू का बात करते हैं। यूनिट टू में भी 2 क्वेश्चन है, तीसरा और चौथा। तीसरा लिखा है, डिफाइंड डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ असेसमेंट ऑफ लर्निंग, यानी डिस्क्राइब करना है कि अधिकम के आकलन के लिए अलग अलग क्या आयाम हैं, अलग अलग क्या तरीके हैं। अगला क्वेश्चन है यूनिट टू का 4, डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है और इसके स्टेप्स, यूज एंड डिमेरिट्स बताना था, यानी नैदानिक परीक्षण क्या है, इसके चरण, उपयोग और अवगुण डिमेरिट्स की व्याख्या करनी थी। उसके बाद हम आते हैं यूनिट थ्री में। यूनिट थ्री में भी 2 क्वेश्चन है। इसमें पहला क्वेश्चन है, डिस्कस पोर्टफोलियो विथ स्कोप एंड यूजेज, यानी पोर्टफोलियो के क्षेत्र तथा आवश्यकताओं को विवेचना करना था। ये यूनिट थ्री का क्वेश्चन था। आगे आते हैं यूनिट थ्री का ही क्वेश्चंस में। यूनिट थ्री के क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 6 है, डिफाइन रिलायबिलिटी, डिस्कस द वेरियस मेथड ऑफ फाइंडिंग रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता को परिभाषित करें और विश्वसनीयता ज्ञात करने के लिए क्या अलग अलग तरीके या विधि हो सकती है, इसकी विवेचना करें। फिर यूनिट फोर में पहुँचते हैं, इसमें भी 2 क्वेश्चन थे। यूनिट फोर में हर एक यूनिट में 2 क्वेश्चन हैं, लेकिन किसी एक का जवाब लिखना है आपको। तो यहाँ लिखा है यूनिट फोर में, यूनिट फोर का क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, व्हाट डू यू मीन बाय इंटेलिजेंस टेस्ट, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट ऑफ मेजर इंटेलिजेंस, यानी कि आपको बुद्धि परीक्षण को डिफाइन करना था और इसको मापने के लिए क्या क्या परीक्षण है, टेस्ट है, उसको बताना था। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज अचीवमेंट टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट क्या है और इसके स्टेप्स एंड यूज को बताना था। इसके उपलब्धि परीक्षण क्या है, इसके सोपान और उपयोग की विवेचना करें। फिर आते हैं हम लोग यूनिट 5 में। यूनिट 5 का क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्सप्लेन द कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेलुएशन, यानी सतत और व्यापक मूल्यांकन की व्याख्या करें। और इसमें क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 10 है, जो कि मैथ से रिलेटेड, अगर आपका टेंथ में अगर आपने पढ़ा होगा, मीन, मीडियन और मोड, यानी कि माध्य, माध्यिका, बहुलक। एक गिवन डाटा दिया रहता था, इधर रेंज दिया रहता था, फिर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया रहता था, और मान लीजिए कि 0 to 30, 30 to 40, 42, तो ऐसे करके हम लोग मीन मीडियन के क्वेश्चंस सॉल्व कर चुके हैं क्लास 10th में। तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन नंबर 10 है, और मैंने भी एग्ज़ाम दे रखा है, तो हमने भी यही क्वेश्चन किया है, कैलकुलेट मीन मीडियन मोड, और इसके लिए आपको अलग एक डाटा दिया है अगले पेज नंबर में। वह इसी का जो सारणी दिया है, एक तरफ CI दिया है, इसको हम लोग रेंज भी कहते हैं, रेंज, और फ्रीक्वेंसी दिया है सबका, इसको हम लोग हिंदी में बारंबारता कहते हैं। तो गिवन डाटा का फ्रीक्वेंसी दिया है, इससे आपको मीन निकालना है
और फिर मोड निकालना है और मीडियन निकालना है। ये तीन चीज़ फाइंड आउट करना है। ये आप 10th में सीख चुके होंगे, वहाँ से ये इजी क्वेश्चन आया था, कोई दिक्कत का बात नहीं था। तो मैं फिर से अगले वीडियोज़ में, अगले पेपर का जो एग्ज़ाम होगा जिस सब्जेक्ट का, मैं उसका एनालिसिस या किस तरह के क्वेश्चन आए थे उसको मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप जो भी एग्ज़ाम्स देने वाले होंगे, प्रीवियस ईयर के स्टूडेंट होंगे, उनको ये हेल्पफुल होगा उनके लिए वीडियो। तो अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। थैंक यू।